अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू कीमा मटर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब जो इनसे बीफ का मीट ले लिया, वो अब हम अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब जो इनसे वाटर ले लूँगी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसके बाद जो है गाइस, मैं यहाँ पर अनियन ले लूंगी। मैंने 2 पीस अनियन के ले लिए जो मीडियम साइज के थे, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, और इसमें ऐड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर अब मैंने जो है 6 पीस जो है लार्ज साइज के टमाटर थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसकी प्यूरी बना ली, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 7 पीस जो है गार्लिक के ले लिए थे, ठीक है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं जिंजर नहीं ऐड करती। देन इसके बाद जो है मीट में एक स्मेल होती है, जो बीफ का मीट होता है उसमें एक स्मेल होती है, तो इसलिए उसकी स्मेल दूर करने के लिए जो है मैं यहाँ पर चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। 3/4 जो है मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए, और 3 पीस जो है मैंने बड़ी इलायची के ले लिए, और 7 to 8 पीस जो है मैंने लौंग के ले लिए, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर 1 कप के करीब जो है मटर ले लूंगी, और वो इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस, अब हम इसको कवर करके रख देंगे इसको 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद जो है हम इसको कवर को उतार लेंगे। तो गाइस, हमें 15 मिनट हो गए, अब हम इसका कवर उतार के देख लेते हैं हमारी इस कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मटर भी जो है अच्छे से जो है वो भी टेंडर हो गए, और मीट भी हमारा अच्छे से टेंडर हो गया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको अब हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे हमारे वोक में, ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसकी बुनाई कर सकें। प्रेशर कुकर में अच्छे से बुनाई नहीं होती, जितना हम खुला बर्तन लेंगे उसमें बुनाई भी अच्छे से होगी, और टेस्ट भी बहुत ही यम्मी सा होगा। तो अब हम इसको दूसरे पैन में शिफ्ट करते हैं। सो गाइस, अब हमने इसको दूसरे पैन में शिफ्ट कर लिया, तो अब देख सकते हैं आप इसमें पानी काफ़ी है। अब हमने इसी पॉइंट पर आके हमारे जो है 6 लार्ज साइज के मैंने जो है पोटैटोज ले लिए थे, उसको कट कर लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे ऐड करने से ये होगा कि जो ये अभी पानी हमने ड्राई करना है, इसी के साथ साथ हमारे जैसे पोटैटोज हैं वो भी टेंडर हो जाएंगे। और अब हमने इसको मीडियम आंच पे, जैसे मीडियम टू लो आंच पे इसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे जैसे पोटैटोज वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। फिर बाकी हम बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक रेसिपी शेयर की हुई है, जो कि है बारबेक्यू स्मोकिश आलू कीमे की रेसिपी। तो अगर आप लोग स्मोकिश टच चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को साथ आइकन में जो है मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और ये है आलू कीमा मटर की रेसिपी है, और वो है स्मोकिश आलू कीमे की रेसिपी, ठीक है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, आप लोगों ने जो से बनानी है वो रेसिपी तो आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। सो गाइस, हमारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे आके 1 कप के करीब जो सा ऑयल था वो हम ले लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारे जो है पोटैटोज हैं वो भी अच्छे से जो है वो टेंडर हो चुके हैं गाइस। और अब हम इस पॉइंट पे आके हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब रेड सॉल्ट ले लिया, 1 टीस्पून के करीब मैंने टर्मरिक पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून के करीब मैंने जैसे रेड चिली पाउडर ले लिया, वो हम ऐड कर देंगे।
गाइस हम इसको 5 मिनट तक जो सा ऑयल डाल के अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा ऑयल जो सा साइडों के ऊपर आने लग जाए। जैसे हमारा ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सो गाइस ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है तो अब हम इस पॉइंट पर आके हमने 1 कप के करीब जो सा योगर्ट ले ली थी वो हमने अच्छे से बीट कर ली थी और वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फुल फ्लेम में ही पकाएंगे क्योंकि हमारे जो से पोटैटो जो वो भी टेंडर हो चुके हैं और हमारा जो सा मीट है वो भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसको फुल फ्लेम पे इसका जो सा पानी है वो ड्राई कर लेंगे, योगर्ट का अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। हमें 5 मिनट लग जाएंगे इसका पानी जो सा ड्राई करते हुए। 5 मिनट बाद हम आपको बताते हैं उसमें क्या आगे करना। तो गाइस हमारा जो है योगर्ट का पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे आके हम अपने बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें है कि 1 टीस्पून के करीब मैंने जीरा ले लिया उसको दरदरा सा पीस लिया। इसी तरह मैंने 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया ले लिया उसको दरदरा सा पीस लिया और 1 टेबल के करीब मैंने जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ले लिया उसको अच्छे से दरदरा सा पीस लिया। अब हम तीनों मसाले ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हमने जो सा 5 to 6 जो सा हमने ग्रीन चिलीज ले ली थी उसको कट कर लिया। अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये हमारा बुनाई का टाइम है तो हम इसको जितनी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा साजन बनेगा। तो हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे 10 मिनट तक। तो गाइस हमें इसकी बुनाई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक जो कि है आलू कीमा मटर की रेसिपी। तो बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हमारे आलू कीमा मटर की रेसिपी में जो से इन्ग्रीडियंट्स यूज़ हुए हैं तो वो मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। 1 लीटर के करीब मैंने वाटर ले लिया था और यहाँ पर मैंने 4 लार्ज साइज के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसकी प्यूरी बना ली। यहाँ पर मैंने जो उनसे 6 लार्ज साइज के जो उनसे पोटैटोज ले रहे थे उसको मैंने जो उनसे इस कटिंग में कर लिए और यहाँ पर मैंने जो उनसे 2 मीडियम साइज के अनियन ले लिए थे उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। 1 कप के करीब मैंने पीस ले लिए और 1 केजी के करीब मैंने जो उनसे बीफ का मीट ले लिया, आप चाहे तो मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया था, 1 कप के करीब मैंने योगर्ट ले लिया था और यहाँ पर मैंने जो उनसे 7 पीस जो उनसे इसके गार्लिक के ले लिए थे और आप चाहे तो जिंजर ऐड कर सकते बट मैं जिंजर नहीं ऐड करती क्योंकि स्मेल जो उनसे गार्लिक से भी ख़त्म हो सकती है। और आपको पता है गाइस जो बीफ का मीट होता है उसमें स्मेल एक होती है जो ख़त्म नहीं होती, तो उसके लिए जो उनसे मैं ये कुछ ड्राई स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 3-4 जो उनसे दालचीनी के पीसेस ले लिए, 3 जो उनसे मैंने बड़ी इलायची ले लिए और 7 से 8 पीस जो उनसे मैंने लौंग के ले लिए। और स्पाइसेस में जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर ले लिया था उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। इसी तरह मैंने जो उनसे 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया उसको दरदरा सा पीस लिया और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने सूखा धनिया ले लिया उसको भी दरदरा सा पीस लिया। और यहाँ पर मैंने जो उनसे 1 टीस्पून के करीब जो उनसे सॉल्ट ले लिया और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने टर्मरिक पाउडर ले लिया। और यहाँ पर मैंने 5 to 7 पीस जो उनसे ग्रीन चिलीज के ले लिए उसको मैंने कट कर लिया। और यहाँ पर जो उनसे मुझे गार्निशिंग के लिए जो उनसे चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने यहाँ पर 2 जो उनसे ग्रीन चिलीज ले थे उसको सेंटर में से कट लगा के रख लिया और यहाँ पर मैंने जिंजर के स्लाइसिस कर लिया और फ्रेश कोरिएंडर ले लिया। तो ये चीज़ें थी जो हमारे आलू कीमा मटर की रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं।